हमारे बच्चे को क्या करें? ऐसी स्थिति में मैं भी था आज से 4 साल पहले। मेरा बच्चा फाइनल ईयर में हेमंत सर के अंडर में ही है, जस्ट अभी डिग्री लेना बाकी है, वो फाइनल ईयर में ही है। और मेरे साथ स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। मेरा बच्चा 10th में अच्छा था, इन द सेंस फर्स्ट क्लास था। फिर उसने बोला कि मेरे दोस्त लोग IIT की तैयारी करने के लिए कोटा जा रहे हैं, पापा मुझे वहाँ भेज दो। तो मैं बोला तुम यहाँ अच्छा कर रहे हो, यहीं करो, यहाँ गुजरात में भी सब स्थिति है। बोला नहीं, वो जिद करने लगा, थोड़ा जिद्दी टाइप का था। तो मैं बोला ठीक है चले जाओ, कोटा चला गया। जो कोटे में पैसा चाहिए वो पैसा दिया, हम एडमिशन करा के आ गए। उसके बाद हम आ गए, उसके बाद वहाँ कोटा में सब कुछ होता है, वहाँ IIT वाले इंजीनियर भी बनते हैं और जो नीचे जाने वाले भी जाते हैं। संगत वहाँ गलत हो जाने से बहुत कुछ हो जाता है। तो मेरा बच्चा गलत संगत में चला गया था। उसके बाद फिर वो 12th भी बहुत ही कम मार्क्स से पास हुआ वहाँ से, वो भी हमको आखिर में पता चला, मतलब ये 40 और 50 के बीच में कुछ परसेंटेज आया, एकदम बड़ा ऐसा था। उसके बाद फिर मैंने उसको यहाँ बुलाया, यहाँ रखा। फिर उसको मैंने बोला अब तुम रिपीट करो, क्योंकि तुम्हारा ये 12th के ज़िंदगी है काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़िंदगी है, तो 12th के मार्क्स ऐसे होने चाहिए। जो भी हमको पता चला, बच्चों को हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उसने फिर से 12th किया, हमारे गाइडेंस में किया, जैसे तैसे किया, फिर उसके फर्स्ट क्लास मार्क्स आए। फिर वो, लेकिन उसको क्या था, मन मचल रहा था कहीं बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ बंद गया था। उसके बाद फिर उसने कुछ कर्नाटक वगैरह के और महाराष्ट्र के भी कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए थे और उसमें आ गया था। उसका बेंगलोर में किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ गया था। तो और वो बहुत जिद करने लगा कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, वहाँ प्लेसमेंट हो जाता है और वहाँ पे मेरे को जाना है, और अब मेरे को मेरा हो गया, आप बोलते थे होता नहीं है कहीं पे, तो हो गया है मेरा और मुझे वहाँ भेजना है। और मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मुझे लगा ठीक है अब इसकी इच्छा है, वो रोक भी नहीं सकते। तो ये इस पर आते हैं हम स्टोरी में आगे में क्या हुआ, लेकिन इसके पहले हम ये श्लोक देखते हैं जरा। मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे कार्पण्य दोषो अपहरत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यत् स्यात् निश्चितम् रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम् शादीमा त्वा प्रपन्नम्। तो अर्जुन और दुर्योधन, उसमें अंतर यही श्लोक का है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों कौरव पांडव महाभारत में बीच में आ गए सामने। अब अर्जुन को वो कन्फ्यूजन आ गया बहुत कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, क्या करूं। और दुर्योधन है बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं उसको, पूरी गीता भगवान ने अर्जुन के लिए सुनाई और लास्ट में अर्जुन बोलता है मैं लड़ूंगा, और दुर्योधन तो पहले से लड़ने को तैयार है। इसका मतलब कौन होशियार है? दुर्योधन होशियार है क्योंकि वो तो तैयार है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आँख बंद करके कहीं भी कूदने से अच्छा आँख खोल कर कहीं जाना ज़्यादा अच्छा है। तो अर्जुन काफ़ी चिंतित था कि किसका किसका क्या क्या होगा, वो हर एक के बारे में चिंतित था। ये सब मर जाएंगे तो क्या होगा, ये मेरे पिता है, ये मेरे गुरु है, तो उसके अंदर भाव था, भावना थी, उस भावना के कारण वो बहुत कुछ सोच रहा था। तो हम सब लोग यहाँ पे मनुष्य पहले है, भाव पहले है हमारे, तो हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। तो हम ऐसा नहीं कहीं भी अपने बच्चों को डाल दें, हमको सोचना पड़ेगा कि कहाँ डालें। तो अर्जुन, दुर्योधन ने कुछ सोचा नहीं, वो बोला तो बिल्कुल लड़ना है और लड़ने चला गया और काफ़ी लोग। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने ये किया कि उसने एक सही आदमी से सलाह ली। तो ये सबसे बड़े ज़रूरी चीज़। अर्जुन बोलता है कि मैं भी बहुत धर्म सम्मूढ़ चेता, मतलब मेरा सम्मूढ़ हो गया, कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन धर्म के बारे में, इट्स रिगार्डिंग धर्म। तो हमारा भी अलग अलग समय अलग अलग धर्म होता है। इस समय आपका पिता का धर्म है, अलग अलग समय पर अलग अलग धर्म रहेगा। तो मेरा भी उस समय पिता का धर्म था और भगवान की कृपा से ये इसके टच में था, तो मुझे कुछ प्रेरणा ऐसी हुई कि किसी सही जगह से हमको इसको, किसी सही व्यक्ति से हमको वो करना चाहिए। तो मेरे एक मित्र है खत्री साहब, और हेमल सर, मैं और खत्री साहब हम लोग किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो खत्री साहब ने मुझे बताया कि यार ठीक है, अभी ये हेमल ने कुछ चालू किया है नया कंप्यूटर वम्प्यूटर का, क्या है देखो ना तुम उसको, वो क्या है मेरे को पता नहीं, उसको भी थोड़ा सोचो क्या चाहिए वो। और तो मैं बोला कि हाँ ठीक है, अहमदाबाद में है तो थोड़ा पास में भी रहेगा, सोच सकते हैं। लेकिन वो क्या कंप्यूटर का है तो एडमिशन होगा क्या, क्योंकि वो उन लोग कुछ करते हैं? तो बोला नहीं नहीं, वो तो क्या अपने गणपत यूनिवर्सिटी अपन बोलेंगे तो अपने सर है तो कुछ कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने अपने लड़के से चर्चा की कि भाई ये तुमको गणपत यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर पढ़ सकते हो क्या? तो वो एकदम से आते उसने खड़ा कर दिया, क्योंकि वो समझ गया गणपत यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ाता हूँ,
और वो भी गणपत सिटी में आएगा, मतलब वो मेरे अंडर में आ जाएगा, और वो ये चाहता नहीं था। और जनरली हम लोग, मैं मैसाणा कैंपस में हूँ, तो उसने, उसके दिमाग में ज़्यादा आया नहीं कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। मैंने तो जस्ट ऐसे पूछा था, उसने बोला कि पापा मैं किसी बड़े सिटी से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं आजकल छोटी सिटी में कोई डेवलपमेंट होता नहीं है, बड़े सिटी से मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उसका उद्देश्य था कि मैं कैसे भी करके उसको बेंगलोर भेज दूँ। तो फिर ये हुआ, मैंने बोला कि ये इनसे डिस्कस किया, उनसे डिस्कस किया, फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो तुम बड़े सिटी में जाना चाहते हो तो वहाँ क्या अच्छी चीज़ है। तो उसने बोला वहाँ लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, और वहाँ कंपनियाँ आती हैं, उनमें कैंपस में सेलेक्शन हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात। और बेंगलोर तो बोले आपको मालूम है कैसी जगह है, तो मैं बोला मेरे को तो ये भी मालूम था कोटा कैसी जगह है, और बेंगलोर भी अब देख सकते हैं आगे चल के तुम चाहोगे तो। तो फिर मैंने उससे डिस्कशन करना चालू किया, तो फिर मैंने उसको बताया कि ये जो तुमने किसी ये क्लाउड टेक्नोलॉजी, डेटा प्रोसेसिंग, ये सब के बारे में कुछ सुना है? तो थोड़ा ऐसा सा कुछ बोलने लगा मैं, तो मैंने बताया कि वो थोड़ा बहुत बोलने लगा, हाँ कंप्यूटर में आजकल चलता है सब। मैं बोला इस तरह की ब्रांचेस अपने यहाँ खुल गई है, और एक बड़ा शहर है, मेट्रोपोलिस है, उसका नाम अहमदाबाद है, और वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खुला है और उसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो तुम्हारी जो मन की इच्छा है, जो वो है, बड़ा शहर होना चाहिए, तो वो बड़ा शहर ही है यहाँ, और लेटेस्ट ब्रांच है वो। इवन हम लोग आजकल देखते हैं कि जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, लाइक आई एम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, तो पहले ज़माने में इसको कोर ब्रांच बोलते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर कोर हो गई है, कंप्यूटर भी लेटेस्ट के बदले कोर ही हो गई है, और कोर में जो लेटेस्ट है वो इनके पास है, क्योंकि इन्होंने कोर में लेटेस्ट किया है, लेटेस्ट का भी लेटेस्ट। तो मैंने बताया ये अल्ट्रा लेटेस्ट है, जो चीज़ लोग अभी सोचिए, मैं चार साल पहले की बात है, जो लोग उस समय शुरू कर सोच रहे थे, एक दो इंस्टीट्यूट थे, वो इन्होंने इतने आगे देख लिया। तो मैं बोला जब कोई इतना आगे देख सकता है तो हमको, तुम जाके उनको तो देख के आओ वहाँ पे क्या है, तो पता करके आओ, तुम मत जाना वहाँ पे, देख के आओ उसमें क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, देख के आओ। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो भगवान हमको गीता में बताते हैं, जीव लोग हैं, जीव भूत सनातन, सनातन एक शब्द है, सनातन का मतलब होता है कि हम पुराने भी हैं और नए भी हैं, सदैव नूतन सदैव पुराने, पुराण और सदैव नूतन। तो हमको किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर कि पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ भी हो व्यक्ति और नए चीज़ों से भी जुड़ा हो। तो ऐसा कब का हो सकता है, जब कोई व्यक्ति कोर के साथ में लेटेस्ट को लिंक करे, तो वो दोनों फ्रंट पे आगे बढ़ सकता है। केवल कोर को पकड़ के लटकेगा तो भी वो सिर्फ फंडा फंडे में चले जाएगा, और केवल लेटेस्ट लेटेस्ट के पीछे भागेगा तो भी मज़ा नहीं आएगा। इफ़ यू आर, यू कैन कनेक्ट समथिंग दैट इज सनातन, तो दैट सनातन आई फेल्ट समथिंग दैट टाइम इन हिज विजन। उस समय तो कुछ भी नहीं था, उस समय इन लोगों का पहला बैच ही था, और उस समय ये सब कुछ था भी नहीं कि इतना आगे, आज तो काफ़ी नाउ दे आर प्लानिंग क्वाइट अहेड। तो फिर इसमें एक शब्द है शिष्य, शिष्य का मतलब होता है एक्चुअली में शीश, जो शीश दे सके। इसके नाम पर एक धर्म भी है, सिख धर्म, सिख जो है वो शिष्य का एक अपभ्रंश है। तो शिष्य कैसे होता है, मतलब हम अपने बच्चों को स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, तो मैंने ये देखा था कि ही इज़ क्वाइट पर्टिकुलर, क्योंकि मैं तो केवल इनको जानता था और बाकी मेरे को कुछ जानता नहीं था, और इतना जानता था कि कंप्यूटर टाइप की कोई चीज़ है और लेटेस्ट चल रहा है और ठीक है, दैट इज़ गुड। तो मैंने जानता था कि ही इज़ ए मैन ऑफ वैल्यू, मैन ऑफ करेक्टर एंड मैन ऑफ डिसिप्लिन, और मुझे अपने बच्चे में एक्चुअली वो चाहिए थी। मैं ऐसी स्टेज में था कि मेरे बच्चे को कोई को पढ़ना लिखना उसका सेकेंडरी हो गया था, मेरे लिए ऐसा था कि ये संभल जाए अभी, ये मतलब और गिरे नहीं, और ज़्यादा गिरे नहीं, और पढ़ता है तो अच्छी बात है, और मीडियम पढ़ता है तो भी कोई बात नहीं। मेरा ऐसा था कि कम से कम ये एक ह्यूमन बीइंग रहे, अच्छे से रहे, तो एक अच्छे गाइडेंस में रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो उसको थोड़ा ये तो जमा कि ये, फिर वो यहाँ पे आया, उन्हों से मिला, और फिर सर से भी मिला, तो फिर कैंपस भी देखा, तो फिर बोला कि कैंपस पापा थोड़ा छोटा है कैंपस, वो वहाँ पे कुछ खेलने वाले का तो कुछ है नहीं। तो मैं बोला तो तेरे पास, अब मैंने तेरे को ये बड़े बड़े स्कूल में डाला, पब्लिक स्कूल में डाला, इधर डाला, वहाँ इतने बड़े बड़े खेलने वाले थे, तो ना तो कुछ खिलाड़ी बना और ना तो कुछ पढ़ाकू बना। तो फैसिलिटीज़ तो ठीक है जो तुमको दिखती है बाहर, लेकिन वहाँ पे तूने कुछ IBM टाइप की चीज़ सुनी वहाँ पे? बोला हाँ, वो लोग कुछ बोल रहे थे IBM की लैब है, लेकिन क्या पता, IBM तो IBM होता है ना पापा, वो तो सब पैसे दे के कर देते हैं, अभी क्या है, IBM आ जाएगा, कोई नौकरी वोकरी थोड़ी मिलती है।
मैं बोला तू अपनी दूसरी चीज़ें छोड़, लेकिन लैब देखी तूने? तो बोला मैंने लैब नहीं देखी। बोला तू लैब जे क्या, और लैब में अगली बार जाना, लैब देखना, वहाँ पे किसी दूसरे से पूछना जो लेबोरेटरी है। मैं बोला हम पढ़ते किस में? लैब में पढ़ते हैं, टीचर उनकी फैसिलिटी होती। कोई भी डॉक्टर को हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नहीं तो हम अपने गाँव वाले डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन जिसके पास डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, जितने ज़्यादा रहेंगे, एडवांस रहेंगे, लेटेस्ट रहेंगे, वो आपका डायग्नोस सही करेगा तो आपका इलाज भी सही करेगा। फिर वो आया एक बार, तो बोला पापा वो लैब तो बहुत जोरदार है। मैं बोला इसलिए तुमको अंदर अंदर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने सरेंडर नहीं किया। तुमने क्या किया? सरेंडर नहीं किया। सरेंडर भाव से अगर आपको देखोगे, शिष्यस्ते हम शादी माँ तो प्रपन्न, पहले अपने को शिष्य बनने की कोशिश करना चाहिए। कि आप कहीं पर भी हो, अगर आप शिष्य नहीं बन पाओगे तो कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। आपका सरेंडर होगा, आपका फेथ होगा टीचर में, आपका फेथ होगा फैसिलिटीज में, वो जिस विजन से काम कर रहे हैं आप उसका सिंक्रोनाइज करोगे तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो दैट मेड सम सेंस टू हिम। तो उसको ये तो अच्छा लगा कि उसने बाद में मुझे बताया कि वो लगा कि आपसे तो दूर हूँ मैं, कम से कम आप मेहसाणा में हो, मैं यहाँ पे हूँ। और वो लेटेस्ट चीज़ उसको अच्छी लगी, जो लेटेस्ट जो चीज़ है वो उसको अच्छी लगी, तो ही टुक एडमिशन ही। लेकिन हम लोग भी डर ही रहे थे, क्योंकि इसकी आदतें ऐसी थी कि जल्दी जाती नहीं है, संगत वगैरह जाती नहीं है। तो मैं इनको सर को बोल रहा था कि सर संभालना उसको, थोड़ा देखना कैसा है। तो सर बोल रहे कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं बोला सर वो बिल्कुल ठीक लगता है लेकिन कभी भी बिगड़ जाता है, वो थोड़ा आपको वो देखना पड़ेगा। और उसको जो करना है, जो मारना है, जो डांटना है, उसकी अगर अटेंडेंस नहीं आती है, वो गोल मारता है, तो आप उसको बिल्कुल उसको वो कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। फिर से उसको रिपीट करना है तो भी रिपीट करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या देखा फिर, कि यहाँ पे इतना अच्छा डिसिप्लिन और इसका माहौल है इंगेजमेंट का, पॉजिटिव इंगेजमेंट का, कि आपको आते ही साथ इनको पहले एक लैपटॉप दे दिया गया। तो मैं सोचा कि ये हेमंत सर ने लैपटॉप दे दिया इनको, गया काम से, अब ये इसमें यूट्यूब देखेगा और गया, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी गया। लेकिन उस लैपटॉप को देने के बाद, वो लैपटॉप जस्ट अभी भी चल रहा है, अभी कल ही मेरी माँ ने ऐसे खींचा था, थोड़ा सा उसमें क्रैक आया तो बता रहा था, बट एनीवे, लेकिन वो लैपटॉप जो इन्होंने दिया उससे काफ़ी उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। वो जो, क्योंकि वो लोग उसको लैपटॉप ही नहीं दिया, लैपटॉप के साथ इंगेजमेंट देते थे, रोज कुछ ना कुछ यहाँ से इंगेजमेंट देते थे, ऐसे टास्क देते थे कि हम देखें कि वो बिजी हो गया, आता है वो रूम में चला जाता है और उसी करता रहता। तो फिर शुरू में तो मैंने बोला तुम लैपटॉप रूम में लेके नहीं बैठोगे, सामने लेके बैठो, तुमको जो पढ़ना है ना यहाँ पढ़ो, क्योंकि मेरे को यह था कि ये पढ़ाई नहीं करता। लेकिन वो बोला पापा मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, इधर से उधर मेरे को मत परेशान करो ज़्यादा। तो मैं बोला तू थोड़े दिन तो देख ना हमारे सामने होमवर्क कर, हमको लगे तो होमवर्क करता है तो ठीक है करके। तो फिर ऐसे करके देखा तो सब ठीक चल रहा था, तो हमने बोला ठीक है अब तुम चलने। सो ये जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट। कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट में क्या होता है कि एक धीरे धीरे स्टूडेंट में एक डिवोशन आता है। डिवोशन जब टीचर और इंस्टीट्यूट के प्रति आता है तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, जो कि यहाँ पे उसमें फिर डेवलप हो गया। सेकेंड ईयर से शायद थोड़ा ही पिकडअप है ना, सेकेंड ईयर पिकडअप। और तो वो जो शुरू में जो माहौल बनाया, मतलब आई एम रियली फ्रॉम माई डेप्थ ऑफ माई हार्ट आई एम ग्रेटफुल टू हेमंत सर एंड ऑल हिज टीम। एक्चुअली जो इनकी बहुत अच्छी टीम है, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, डेडिकेटेड है, वो लोग कंसर्न करते हैं कि वो क्या हुआ, वो नहीं आता है तो फ़ोन करते हैं कि सर आपका लड़का वो प्रैक्टिकल में वो इसने असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं किया, फिर मैंने पूछा, फिर ऐसे करके बीच बीच में वो भी आते हैं। तो देट इज़ ए कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, क्योंकि हम जानते हैं मैं भी फैकल्टी में, मैं भी डिपार्टमेंट में हूँ, क्योंकि मॉनिटरिंग करना इज़ नॉट ईजी। क्योंकि हम जब किसी पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, हम लोग भी, तो वो बोलते हैं आपके हमने क्यों भेजा, आप हमको परेशान करने के लिए फ़ोन करते हैं। ऐसे भी फ़ोन आते हैं, हमको ऐसा भी सुनना पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। और ऊपर से अगर हम किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते आज तो किसी स्टूडेंट को, और वो तो वो डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं कि मतलब उनके पिताजी बोलते हैं कि भाई तो यहाँ कोई हाथ तो लगाता नहीं है, लेकिन डांटे तो फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सो मेनी इश्यूज आते हैं, लेकिन ये सब को झेलते हुए भी ये लोग, इनके जो स्टाफ है, दे आर डूइंग वेरी गुड। सो फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ने में हमने क्या देखा है कि ये त्वाम प्रपन्नम, हमने तो इनकी शरण ले ली, अर्जुन ने तो कृष्ण की शरण ले ली, लेकिन फिर कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण को पता था कि अर्जुन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और उसकी कमज़ोर क्या था, इमोशनली बहुत कमज़ोर था, वो बिल्कुल चला ही नहीं सकता, वो अपने गुरु के ऊपर चला नहीं सकता, अपने भाइयों के ऊपर बाण चला नहीं सकता, और ऐसे में उनको प्रेरित करना था कि क्या करें। तो अर्जुन को बोलता है कि मेरा अगर पतन हो गया तो क्या करोगे,
मैं नहीं कर पाया मान लो, उसमें ये भी बोलता है कि ये मेरे से नहीं होगा बिल्कुल, फिर से बोलता है कि शायद तीनों लोग का स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो भी ये मुझसे काम नहीं होगा। तब भगवान इसमें बोलते हैं आगे जाके नौवे में, मत मत भक्ता न पड़ष्यन्ति, कि एक बार जो मेरा भक्त हो गया, जो मेरी शरण में आ गया, वो उसका कभी नाश नहीं होने वाला, वो कभी गिरने वाला नहीं। तो मैंने उसको यही बोला कि एक बार अगर तुम अपने गुरु में, अपने श्रद्धा में, इंस्टीट्यूट में और डिपार्टमेंट में और अपनी पढ़ाई में श्रद्धा डेवलप कर लोगे तो भगवान वहाँ निकल के आते हैं और वो तुमको कभी गिरने नहीं देंगे, ये बात पक्की है। तो तुमको इस सब जगह में एक डिवोशन डेवलप करने का है और वो डेवलप करोगे तो वो तुमको कभी गिरने नहीं देगा, ये बात पक्की है। तुम जो सोच रहे हो बैंगलोर में तुमको जॉब मिलेगा, वो तुमको यहाँ भी मिल जाएगा। आज भले ही गणपत यूनिवर्सिटी, आज से 5 साल पहले की बात है, आज तो बहुत अच्छा स्टेटस है, मैं बोला आज भले ही नया शुरू कर रहे हैं लेकिन इनकी जो इंटेंशन बहुत अच्छी है। अगर इंटेंशन किसी की अच्छी हो और इनका इफर्ट बहुत अच्छा हो तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ज़रूरत है तुम्हारे डिवोशन की, अगर तुम डिवोशन रहोगे तुम ही पीछे हट जाओगे तो कुछ नहीं, क्योंकि बेस्ट सिटी अभी इंडिया, इंडिया की सबसे नंबर वन सिटी है और इंडिया की नंबर वन ब्रांच है, नंबर ब्रांच में लेटेस्ट है। फिर जब इनका फाइनल ईयर आया तो IBM में सर ने IBM में ये वो भी कराया, क्योंकि इंटरव्यूज अरेंज कराए, क्योंकि IBM जनरली इनको यह लैब लगाई, लेकिन वो जनरली दे डू नॉट टेक इंटरव्यूज फ्रॉम द सेकेंड लेयर ऑफ द कॉलेजेस, दे गो फॉर द टॉप लेयर ऑफ द कॉलेज ऑफ द इंडिया, लाइक दे केम टू DAICT धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो लेकिन ही एंड हिज टीम दे व्हाट दे डू दे गिव वेरी गुड प्रपोजल टू देम, ओके यू डोंट वांट टू कम टू अवर कॉलेज, वी विल सेंड अवर स्टूडेंट टू यू, इज दैट ओके? दैट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव। तो वो लोग भी डायलॉग में आ गए, बोले आपको पसंद आया तो लेना, नहीं आया तो मत लेना, यू पुट अवर स्टूडेंट विद अलॉन्ग विद द DAICT स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे यहाँ जो पढ़े हुए उनके साथ रखो, अगर जम गया तो ठीक है, नहीं जमा तो कोई बात नहीं, आप वापस ले लेना, इतना तो मौका दो। इट वॉज अ फेयर डील कि हमारे बच्चे हमने पढ़ाया, हमने IBM की लैब में तैयार किया, हमारे फैकल्टी ने खून पसीना लगाया उनको तैयार किया, लेकिन आप उनको एक बार देख लो, जमते हैं तो ठीक है। तो इनके जो बच्चे वहाँ गए और दे स्टूड अलॉन्ग विद द DAICT कैंपस में गए, उनके साथ इंटरव्यू दिया और 4 or 5 स्टूडेंट्स गॉट थ्रू, टोटल आई थिंक दे गॉट सम 20-25 समथिंग आउट ऑफ दैट 5 फ्रॉम यहाँ से। तो हम सोच सकते हैं कि DAICT इज़ ए बिग नेम। तो ट्रेनिंग का क्या अफेक्ट होता है वो हमने देखा। तो उस दिन मेरे को ये उसने फ़ोन किया, पापा मेरा IBM में हो गया है। तो एकदम से मैं बोला देखो कितनी बड़ी बात है, मैं बोला दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू डिड। और तुमने क्या किया, तुमने केवल उस चीज़ को सिस्टम को समझा श्रद्धा के साथ और उसका एडवांटेज लेना, यहाँ फैसिलिटी सब है लेकिन एडवांटेज लेना स्टूडेंट के पास। दिस मीन्स आई कैन गारंटी कि इस जगह में, ये छोटी सी जगह है, बहुत कॉम्पैक्ट जगह है सिटी में, और इसके पास दूसरी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, फुटबॉल खेलने की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज कंप्यूटर फील्ड में आज जो चाहिए, गूगल को जो चाहिए उसको जो चाहिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनको जो चाहिए वो यहाँ पर इनके फैकल्टी उस पर काम कर रहे हैं, जो कल चाहिए उसको आज बता रहे हैं। फिर एक और चीज़ मुझे ये बताई, मेरे सर ने ये बताई कि मैं बाबा ये भी देना चाह रहा हूँ, गेट भी देना चाह रहा हूँ। मैं बोला हो गया, तेरा जॉब लग गया, बढ़िया हो गया, मैं खुश हूँ, IBM जैसी कंपनी में जॉब लग गया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसमें लेकिन उसने बोला कि पापा क्या है कि मैंने सिलेबस चेक किया तो हमारा जो सर ने सिलेबस इतना अच्छा रखा है कि गेट का सिलेबस और हमारा जो सिलेबस है सर वो काफ़ी मिलता जुलता है, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ, क्योंकि उनको हमने वो पढ़ाई है तो उसके साथ में वो भी देना चाहिए, मुझे अच्छा देना चाहिए। और कुछ लास्ट में वो बोला कि मैं थोड़ा एक कोचिंग में क्रैश भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, बोला क्योंकि मेरा ये कोर तो हमारे पढ़ाई है और लास्ट में थोड़ा क्रैश किसी कोचिंग, कोई कोचिंग है गेट की उसके साथ में क्रैश कोर्स करके मैं एग्ज़ाम दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं से पैसे मांगने लगा, बोला ठीक है, उसे कुछ क्रैश कोर्स का कुछ फीस थी मैंने दे दी। तो फिर उसमें उसके अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे मार्क्स आ गए और नाउ इज़ ओपन टू गेट सम IIT एडमिशन में काफ़ी में और IIIT में और ये सब जगह में, उसमें काफ़ी अच्छा उसको सब जगह से आ रहा है। तो नाउ ही इज़ गोइंग थ्रू द प्रोसेस, नाउ ही हैज़ टू डिसाइड, जो सर जो बोलेंगे वो करेंगे हम, कि IBM में जा रहा है तो IBM में जाएंगे और जहाँ अच्छा मिलेगा। सो बिकॉज वी टेक शिष्यस्ते हम शादी माँ तो प्रपन्नम, तो सही जगह से सलाह लेने से आपको क्या होगा और सलाह लेने के साथ में उसको अंडरस्टैंड करने का तो हमारा एक रास्ता सही बनेगा।
तो ये जो सारी चीज़ें आई है इसके पीछे क्या है कि अगर हम ये समझे कि ओके एनीवे आई कम टू द लास्ट वर्ड्स ऑफ द भगवद गीता, बहुत अच्छा वर्ड्स है भगवद गीता, वो भी आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, इसमें नहीं है। एनीवे आप बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो बुद्धिर्ध्रुवा मतिर्मम। ये जो श्लोक है इसमें ये लास्ट श्लोक है, जो फर्स्ट श्लोक था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो धृतराष्ट्र ने बोला था, और ये लास्ट संजय का श्लोक है। इसमें भगवान ये बोलते हैं कि जहाँ कृष्ण है और जहाँ पार्थ है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पार्थ धनुर्धर पार्थ है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ों की गारंटी है? चार चीज़ों की गारंटी है। श्री, श्री का मतलब है लक्ष्मी, पैसा वो आएगा आपके पास, जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी आएगी आपके पास, वो दौड़ के आएगी। हम सब लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी चंचल है, इधर उधर भागती जाती है, लेकिन अगर हम नारायण के पास हैं तो नारायण के लक्ष्मी चरण दबाती, आप कहीं भी रहो लक्ष्मी आपके पास आएगी। तो दैट इज श्री, श्री आपकी पक्की है। इफ़ यू वांट श्री तो आपको कृष्ण और अर्जुन के साथ रहना चाहिए, उसकी टीम में रहना चाहिए। श्री विजयो, विजय मतलब जीत, आप जहाँ हाथ रखोगे वहाँ आपकी जीत पक्का है। श्री विजयो श्री, लेकिन विजय और पैसा ये बहुत लोगों को मिल जाता है, पॉलिटिशियंस लोग भी मिल जाते हैं, गलत तरीके से मिल ले सकते हैं। लेकिन फिर संजय बोलता है बुद्धिर्ध्रुवा, बुद्धिर्ध्रुवा नितिर्मतिमम। बुद्धिर्ध्रुवा मतलब भूति जो है एक्चुअली दिव्य शक्ति को बोलते हैं, एक अलग टाइप की शक्ति, किसी में एक ऐसा पावर होता है जो नॉर्मली हर एक में नहीं होता है, मतलब पैसा भी हो तो भी नहीं होता है, तो एक ऐसा आप में एक करिश्मा आ जाता है, तो वो एक आप में अपने आप आ जाएगा और जब आप ये सनातन सिस्टम से किसी जीवन को देखने की कोशिश करेंगे तो उसको बोलते हैं भूति, अलौकिक शक्ति बोलते हैं इसको, इट्स ए दैट कम्स, जितना हमारी होती है उससे लिटिल बिट आता है, सब में थोड़ा थोड़ा वो आ जाता है, हमारे अंदर है उसको बाहर निकल के आता है। बुद्धिर्ध्रुवा नितिर्मम, नीति मतलब पॉलिसी, नीति के साथ, नीति कहाँ है? नीति वहाँ है जहाँ योगेश्वर है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ नीति है। ऐसा नहीं कि सच बोलना अच्छी बात है तो मैं सच की साइड चला गया तो मेरी नीति है, ऐसा नहीं। कृष्ण किधर है और अर्जुन किधर है, इधर आप खड़े हो, इधर नीति इधर आ जाएगी, आप झूठ बोलिए लेकिन नीति इधर आ जाएगी, ये पॉलिसी है। किसी के आदमी की जान बचाने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है तो बोलना चाहिए, वो नीति है, नीति उससे भी बड़ी है। तो इसके अंदर काफ़ी डेप्थ है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर हम कृष्ण के साथ है, अर्जुन के साथ में है, तो कृष्ण और अर्जुन से मेरा मतलब यहाँ पर है सनातन सिस्टम। हमारे सनातन सिस्टम में जो गुरु शिष्य प्रणाली बताई गई है तो उसमें जो श्रद्धा का जो उद्देश्य है और शिष्य को कैसा होना चाहिए, वो चीज़ आप कहीं भी लगाइए आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो और ये माई ओन एक्सपीरियंस, और इसमें सबसे बड़ा हाल सबसे बड़ा किसका रहता है? गुरु का ही रहता है सबसे बड़ा, क्योंकि अर्जुन के गुरु कृष्ण थे। तो यहाँ जो गुरु लोग हैं उनके प्रति स्टूडेंट का अगर अच्छा रहेगा तो इन्होंने फैसिलिटी सब कुछ बढ़िया बनाई। सो दिस इज व्हाट माय वन प्रपोजल। सो वी हैव सम टाइम लेफ्ट, सो थैंक यू।